हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का आरबीएससी बाजार में आप सबका स्वागत करती हूं। राजस्थान प्रदेश में स्कूल खुलने को लेकर अन्य सभी शिक्षा संस्थान खुलने को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ट्वीट सामने आया, उनका बयान सामने आया शिक्षा संस्थान खुलने को लेकर। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के एंड में एक गुड न्यूज़ है, तो वो भी ज़रूर देखें। और चैनल अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, राजस्थान प्रदेश में एक महीने से तैयारी की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है सभी शिक्षा संस्थान को ओपन करने का, खोलने का। आपको पता है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, लाइक PTET रीट की भी परीक्षा आने वाली है और काफ़ी सारे अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं पटवारी के, काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो सब कंडक्ट किए जा रहे हैं। अभी तक शिक्षा संस्थान ओपन नहीं हुए हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल को भी ओपन नहीं किया गया है और ना ही कॉलेज खुले हैं और ना ही कोई अन्य शिक्षा संस्था खुले हैं। कब तक इंतज़ार करना होगा सभी विद्यार्थियों को? राजस्थान प्रदेश में शिक्षा संस्थान ओपन होंगे इसको लेकर अभी ही ट्वीट सामने आया है मुख्यमंत्री जी का, और उनका कहना है कि हमने केंद्र सरकार से चर्चा की है। चर्चा के दौरान उन्होंने यह कहा है, जल्द ही स्कूल ओपन किए जाएंगे सभी शिक्षा संस्थान। उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन समिति बनाई गई है और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं VK पोल से चर्चा की गई है सभी शिक्षा संस्थान खोलने को लेकर। उन्होंने यह कहा है, जैसे ही केंद्र अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा उसके हिसाब से प्रदेश भी अपने स्कूल्स को खोलने की कोशिश करेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह मुद्दा संवेदनशील है, कोरोना का कोई भरोसा नहीं है कब बढ़ जाए कब घट जाए, तो यह मुद्दा आप लोगों को पता है संवेदनशील है। इस जो लहर है ये भी कहा गया है सूत्रों के हिसाब से, ये भी खबर मिली है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसका सितंबर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पे हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, बच्चों की शिक्षा से भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की हेल्थ, बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है। तो अभी तक तो यही जो है बात सामने आई है। आप लोगों को पता है कि कई सारे जो स्कूल्स हैं, कई सारे जो राज्य हैं उनमें स्कूल्स खोल दिए गए हैं, राजस्थान में भी जल्द स्कूल खुलेंगे। कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि राजस्थान में स्कूल्स खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। और अभी तक जो थोड़े दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि अक्टूबर में स्कूल्स खुलेंगे, वो सिर्फ एक सुझाव था, वो कोई ऐसा न्यूज़ नहीं था, वो भी एकदम ऑफिशियल था, पर वो एक सुझाव था कि अक्टूबर में स्कूल खोल देने चाहिए, और वो सुझाव अच्छा भी है। अभी फ़िलहाल जो है तीसरी लहर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं सितंबर में, और इस लहर में सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो बच्चों को होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो कोविड है, अब सब बड़े जो लोग हैं, मान लीजिए 40 के ऊपर की जिनकी एज है, उन सबके वैक्सीनेशन लग चुका है, तो ये धीरे धीरे जो कोविड है, कोरोना है, ये बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि बच्चों पे कोरोना वैक्सीन उनके नहीं लगी है। आई होप आप बच्चे समझ गए होंगे। तो यह बात है, अक्टूबर में आपके स्कूल्स खुलने के चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली खुल जाएंगे। तो एक ट्वीट है वो पढ़ लेते हैं हम, ट्वीट में क्या लिखा गया है। नीति आयोग के सदस्य एवं कोविड वैक्सीनेशन पर बनी राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर VK पॉल से शैक्षणिक संस्थान को पुनः खोलने के संबंध में चर्चा हुई। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार शीघ्र ही इस विषय में गाइडलाइन जारी कर सकती है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है, ये बात आपको भी पता है, पर है जिस पर राज्य सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना चाहती, क्योंकि कोरोना का मिजाज अभी क्या रहेगा अनुमान लगाना मुश्किल है। पर हम इस विषय में विशेषज्ञों की राय और अभिभावकों की भावना के अनुरूप शीघ्र ही निर्णय करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि जो अभी है कोई गाइडलाइंस नहीं आई है आपके स्कूल्स ओपन होने की, तो तब तक आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। अगर अभी तक आप सेल्फ स्टडी करने नहीं लगे हैं तो प्लीज़ आप लग जाइए। और मेरे को एक बात बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइब, मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही जल्द एक गिव अवे कॉम्पिटिशन आने वाला है, तो उसमें आई होप आप सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें हम फ्री नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बाकी हमारा एक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे डेली के फ्री नोट्स डलते हैं यार, काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स डलती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, तो उनको प्लीज़ देखा करो यार। फ्री में मिल रही कोई चीज़ तो उसकी कदर करना सीखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, काफ़ी बच्चों को फ्री में अच्छी एजुकेशन तक नहीं मिल पा रही है। आई एम प्रोवाइडिंग द बेस्ट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड मैनी मोर स्टडी मटेरियल, तो आप उनको पढ़ने की कोशिश करो यार, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो अगर नोट्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ जाके चेक करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी या हैव अ नाइस डे।